नमस्कार, मैं राकेश सर एक नए वीडियो के साथ सभी दोस्तों को जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा जनजाति आंदोलन और कुछ राजपूत वंश के राजाओं की बात करूँगा मैं आपसे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले वीडियो में जो विद्यार्थियों के द्वारा जो बात कही गई थी वो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों ने कहा था इसमें अक्षय कुमार जी ने कहा था कि लाजवाब सर जी A1 और उसके बाद हनुमान प्रसाद जी गुजर ने कहा था आज जम रहे हो सर जी टी शर्ट में, और रमेश चौधरी जी ने कहा था हेलो सर, लोकेश सुमन ने कहा था कि नाइस सर जी, और राम प्रसाद जी ने कहा था कि सर अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आना, रोज़ वीडियो डालना। बिल्कुल रोज़ डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे रोज। इसके बाद वसीम अकरम ने कहा था कि सर पहले हिस्ट्री से डर लगता था लेकिन जब से आप पढ़ाने लगे हो आप जैसे सर मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले सर लगे हो, मेरे को हिस्ट्री से डर लगता था, अरे गजब गजब, लेकिन राकेश सर की वजह से आज हिस्ट्री अरे पढ़ने में मज़ा आता है। बिल्कुल बाबूलाल मेघवाल जी ने कहा था कि सर समय भी डाला करो कि भाई वीडियो कब आएगा। दूसरे ने कहा था जय श्री राधे, बिल्कुल राधे राधे साहब, सर रेगुलर वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे। और मैं आप सभी मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज की ओर से मुझे उन्होंने एक तोहफा दिया है और मुझसे कहा है कि सर आप अपना पर्सनल जो नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक होता है उस पर सर आपका टेलीग्राम, जो बच्चा मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहता है वीडियो के नीचे देखा करो, ये टेलीग्राम जिसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो, ये मेरा लिंक है TME/राकेश सर कोटा, इसके नाम से आप लोग डायरेक्ट नीचे लिंक दे रखा है उसमें आप जाके जुड़ सकते हो मेरे से। आज मैं सभी विद्यार्थियों से बात करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को आज एक ऐसा कछवा वंश का एक राजा है उनके बारे में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ध्यान से सुननी है आप बात। 1589 से और 1614 तक आमेर का एक राजा रहता है मानसिंह पष्ट। आप लोगों को अभी 30 से 40 मिनट में मानसिंह का जितना भी इतिहास है आप लोगों को बता देता हूं मैं, आप सभी विद्यार्थी देखना। मानसिंह का जन्म हुआ था 1550 में। मानसिंह का जन्म कब हुआ था रे? 1550 में। 1562 में अकबर की सेवा में गए थे, मात्र 12 वर्ष की उम्र में, मानसिंह पष्ट का जन्म हुआ था 1550 में। 1562 में अकबर की सेवा में गए थे मात्र 12 वर्ष की उम्र में। जब 1562 में जोधाबाई और अकबर का विवाह हुआ था उस दौरान मानसिंह के पिता भगवान दास और मानसिंह खुद अकबर की सेवा में गए थे। मानसिंह के दादा भारमल ने, जो जोधाबाई के पिता थे, उन्होंने इन दोनों को मुगल सेवा में भेजा था। मानसिंह को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी, इसका मतलब होता है बेटा, यानी अकबर ने मानसिंह को बेटा कहकर पुकारा था। मानसिंह को
अकबर ने अपना दत्तक पुत्र कहा था, अपना दत्तक पुत्र कहा, इसका मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ बेटा। मान सिंह अकबर के नौ रत्नों में एक था, नौ रत्नों में एक था। आप सभी आमेर के कछवा वंश का एक महत्वपूर्ण राजा पढ़ रहे हो और उसका नाम है मानसिंह पष्ट। मानसिंह पष्ट के बारे में बताया जाता है कि मानसिंह पष्ट का जो जन्म हुआ था ये 1550 में हुआ था। 1562 में अकबर की सेवा में गए थे जोधाबाई यानी बुआजी के साथ, उस समय मात्र 12 वर्ष के थे। अब एक बात आप बताइए, एक छोटा बच्चा दो चार दिन पाँच दिन अपने घर रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो मोहल्ले वाले आपको पता है बोलते कि भाई तुम्हारे घर जो टावर आ रहा है ये टावर किसका है, तो आप बोलते हो कि भाई हमारे रिश्तेदार का है। अब फिर ज़्यादा ही परेशान करते हैं तो बोलते हैं कि बच्चा किसका है, तो फिर अपन कहते हैं कि तेरे क्या मतलब है, मेरा बेटा किसका है, मेरा बेटा है और क्या है। तो ऐसे ही अकबर ने मानसिंह को अपना बेटा कहा था। मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी, फर्जंद की उपाधि ग्रहण करने वाला एकमात्र व्यक्ति था मानसिंह, और मानसिंह को अकबर ने अपना दत्तक पुत्र भी कहा था। और मानसिंह अकबर के दरबार में नौ रत्नों में एक था, अकबर के दरबार में नौ रत्न रहते थे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और बताने वाला क्या हूँ बता ही देता हूँ, जो अकबर के दरबार के नौ रत्न थे ये आप ध्यान से देखना, इसमें कभी कभार क्या है कि गलती हो जाती है। नौ रत्न देखो, एक था अबुल फजल, ये अकबर के नौ रत्नों में एक था। दूसरा था मानसिंह, तीसरा था मुल्ला दो प्याजा, चौथा था हकीम हुकाम, पांचवा था फेजी, छठा था टोडरमल, सातवा था तानसेन, आठवा था अब्दुल रहीम खान खाना, और नवा था अबुल फजल हो गया, मानसिंह हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, हकीम मुकाम हो गया, फेजी हो गया, टोडरमल हो गया, और तानसेन हो गया, और नवा था बीरबल। ये अकबर के दरबार में नौ रत्न रहते थे, उन नौ रत्नों में एक मानसिंह भी था। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, मानसिंह के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, मानसिंह पष्ट अकबर का प्रधान सेनापति था, अकबर का प्रधान सेनापति, मानसिंह अकबर का प्रधान सेनापति था। मानसिंह प्रताप को समझाने, अकबर ने चार मंडल भेजे थे प्रताप को समझाने, दूसरे मंडल में गया था, दूसरे मंडल में गया था, परंतु ये असफल रहा। मानसिंह को अकबर ने 7000 मनसबदारी दी थी। सैनिकों की संख्या होती है व्यक्ति के स्तर पर दी जाती है, और आज दिन तक की राजपूतों को मिली है ये मानसिंह को दी गई सर्वाधिक मनसबदारी थी। मानसिंह ने या मानसिंह के बारे में बताया जाता है कि मानसिंह ने हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किया था, और मानसिंह युद्ध में प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। मानसिंह से अकबर नाराज हो गया, अकबर नाराज हो गया, मनसबदारी छीन ली।
और सेवा से मुक्त कर दिया, सेवा से मुक्त कर दिया। एक बार आप देखना ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो सभी विद्यार्थी बताओ, राजा कौन सा है रे? मानसिंह है। कब से कब तक बैठा रे? 1500 से 1614 बैठा रे। कहां की राजगद्दी पर बैठा रे? आमेर की राजगद्दी पर बैठा रे। मानसिंह का जन्म हुआ रे 1550 में हुआ। 1562 में अकबर की सेवा में गया रे, मात्र 12 वर्ष की उम्र में गया रे। ये अकबर का दत्तक पुत्र था और अकबर ने इसे फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद का मतलब बेटा होता है। मानसिंह को अकबर ने अपना दत्तक पुत्र कहा था। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा। मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में एक था। इसका मतलब होता है कि अकबर के दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति रहते थे जिन्हें अकबर अपना मस्तिष्क, दायां हाथ, हृदय, मतलब 9 रत्न, हीरे जवाहरात से मिले रत्न समझता था। और खुद अकबर कहता था कि इनके होते हुए मुझे कोई कार्य की जरूरत नहीं पड़ती और जब तक ये मेरे दरबार में हैं मुझे किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 9 के 9 व्यक्ति यानी मेरे दरबार के सारे कार्य संपन्न करेंगे। आपको थोड़ा बहुत ये याद होना चाहिए कि 9 रत्नों में अबुल फजल जो था ये अकबर का दरबारी कवि था, मानसिंह सेनापति का कार्य करता था और ये हकीम मुकाम जो होता ये हकीम का कार्य देखता था। फैजी अबुल फजल का भाई था। टोडरमल जप्ती प्रणाली ये जो ऐसे रहते तानसेन गाने वाला था। अब्दुल रहीम भी सेना का देखता था। और बीरबल जो था ये अकबर के धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था। दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, उसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति था। तो अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम मुकाम, फेजी, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना और बीरबल, बहुत सारी किताबों में आपको लिखा मिलता है। भगवान दास 9 रत्नों में एक था। भगवान दास 9 रत्नों में एक नहीं था प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान से सुनना आप। मानसिंह अकबर का प्रधान सेनापति था, बिल्कुल था। मानसिंह प्रताप को समझाने दूसरे मंडल में गया था, बिल्कुल गया था, लेकिन प्रताप उससे नहीं समझा था। मानसिंह ने प्रताप से कहा था कि अकबर की अधीनता स्वीकार करो, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था। मानसिंह को अकबर ने 7000 मनसबदारी दी थी, बिल्कुल दी थी। सर्वाधिक मनसबदारी मानसिंह को ही दी गई थी। मानसिंह ने हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किया था, बिल्कुल किया था। और मानसिंह युद्ध में प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा था, बिल्कुल रहा था। और अकबर इससे नाराज हो गया और मानसिंह से मनसबदारी छीन ली थी और मानसिंह को सेवा से क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न अबुल फजल बिल्कुल रहता था, मानसिंह भी निवास करता था, मुल्ला दो प्याजा भी था, हकीम मुकाम भी था, फेजी भी था, टोडरमल भी था, तानसेन भी था, अब्दुल रहीम खान खाना भी था और बीरबल भी था। एक बात आप मुझे बताइए कि जब अकबर ने मानसिंह को सेवा से मुक्त किया तो एक बात आप मुझे बताइए, क्या अकबर को मानसिंह की कमी महसूस नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी जी। अब जब मानसिंह की कमी महसूस होगी तो अकबर उसे पुनः सेवा में लेगा। तो देखिए आप ध्यान से, अकबर ने मानसिंह को पुनः सेवा में ले लिया। अकबर ने मानसिंह को पुनः सेवा में ले लिया, लेकिन अब की बार अकबर ने मानसिंह को पुनः सेवा में तो ले लिया, लेकिन अब की बार उसे क्या बनाया? बंगाल बिहार लाहौर उड़ीसा, बंगाल बिहार लाहौर उड़ीसा और काबुल का सूबेदार बनाया। सूबेदार का मतलब होता है कि भाई अकबर का भारत पर सभी जगह अधिकार था, ये जितनी भी जगह मैंने लिखी सभी जगह अधिकार था। सूबेदार का अर्थ होता है साम्राज्यों में शांति स्थापित करने वाला। तो अब की बार इसे प्रधान सेनापति ना बनाकर साम्राज्य में शांति स्थापित करने वाला बनाया था। ये मानसिंह का कोई जवाब नहीं है। मानसिंह देखो आप, बंगाल के राजा को पराजित किया है ना, बंगाल के शासक केदार को पराजित कर
बंगाल के शासक केदार को पराजित कर और मानसिंह शीला देवी की मूर्ति, शीला देवी की मूर्ति आमेर ले आया, मूर्ति आमेर ले आया। तो शीला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर। आप जानते हो कि शीला देवी कछुआ वंश की आराध्य देवी है, जबकि कछुआ वंश की कुल देवी जमुआई माता है। मानसिंह अगर सूबेदार नहीं बनता तो ये शीला देवी की मूर्ति नहीं आती। और मानसिंह एक चीज और लेके आया था, ब्लू पोटरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मूलतः ये पर्सिया की प्रसिद्ध है, और पर्सिया पड़ता है फारस यानी ईरान। ये ब्लू पोटरी कला पर्सिया फारस से आई थी लाहौर, और लाहौर गया था मानसिंह जब इसको लेकर आया था आमेर, और आमेर इसको लाने वाला है मानसिंह पष्ट। ऐसा बताया जाता है चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उनमें कलात्मक कला को ब्लू पोटरी कहा जाता है, नीली कला कहा जाता है। और आपने नाम सुना होगा स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत। ये स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत जो थे ये महू गांव के थे, और महू गांव पड़ता है सीकर में, महू गांव का पड़ता है प्यारे विद्यार्थी सीकर में। इन्होंने ब्लू पोटरी पर एक साथ 25 रंगों का प्रयोग किया था, और 25 रंगों का प्रयोग करने के कारण केंद्र सरकार ने 1973-74 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा ब्लू पोटरी का प्रमुख कलाकार, तो ब्लू पोटरी का प्रमुख कलाकार कौन है, यानी कि करपाल सिंह शेखावत। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, अकबर ने मानसिंह को सेवा से निकाला और अकबर ने मानसिंह को पुनः सेवा में ले लिया। पुनः सेवा में लेने के बाद उसे बंगाल, बिहार, लाहौर, उड़ीसा, काबुल का सूबेदार बनाया, और काबुल का सूबेदार बनाया बंगाल के शासक केदार को पराजित करके मानसिंह शीला देवी की मूर्ति आमेर ले आया, और ये कछवा वंश की कौन आराध्य देवी है। और लाहौर से मानसिंह ब्लू पोटरी लाया, वैसे ब्लू पोटरी मूलतः पर्सिया फारस की प्रसिद्ध है, और ये कला लाहौर आई थी, लाहौर से इसे आमेर लाने वाला मानसिंह पष्ट था। ब्लू पोटरी कला का कलाकार है स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत मऊगांव सीकर के। इन्होंने ब्लू पोटरी पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया, और केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। प्यारे विद्यार्थियों जो पानी से नहाते हैं, ध्यान से सुनना, जो पानी से नहाते हैं वो लिवाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आप कठिन मेहनत करो, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मेरा वीडियो का माध्यम ये नहीं होता, कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखना, कि मैं वीडियो के माध्यम से YouTube के माध्यम से कुछ कमाऊँ। एक रुपया कमाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की दया से, आपकी दया से खूब है। मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जो इधर उधर हैं उन विद्यार्थियों को पूरा मिले। अगर YouTube के माध्यम से मेरा कोई अन्य मकसद होता तो मैं आपको क्या पढ़ाता, जो प्रेम कहानियाँ होती पद्मिनी की, पृथ्वीराज चौहान की, ऐसी प्रेम कहानियां पढ़ाता। लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ आपको सब्जेक्ट में मजबूती और कठिनाई को यानी आसान बनाने का मेरा मकसद है। शेर शायरी करना मुझे इतना आता नहीं है, बस मैं आपको पढ़ा दूंगा और ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा, त्रुटिहीन वीडियो बनाने का प्रयास मैं आप लोगों के सामने करूंगा। तो अपन आ गए थे, मानसिंह सूबेदार बन गया था। अब मानसिंह सूबेदार बना तो मानसिंह कई जगह गया। अब एक बात ध्यान रखना, कभी कभार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मानसिंह ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से लड़ा था, और हल्दी घाटी युद्ध में ऐसा बताया जाता कि मानसिंह जीता था। बात करते हैं मानसिंह के द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए, आप ध्यान से देखना, मानसिंह के द्वारा निर्माण कार्य करवाए। क्या क्या करवाए देखना आप। मानसिंह ने बनवाया भवानी शंकर
मंदिर मान सिंह के द्वारा बनवाया गया भवानी शंकर मंदिर। आप कहोगे कहाँ है ये भवानी शंकर मंदिर? बना था बेकटपुर, और बेकटपुर कहाँ पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? बिहार। मान सिंह के द्वारा बनाया गया महादेव मंदिर, और महादेव मंदिर ये पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, महादेव मंदिर गया, और गया भी कहाँ है? बिहार। प्यारे विद्यार्थियों, मान सिंह के द्वारा बनाया गया मान महल, और ये मान महल बनाया पुष्कर, और पुष्कर पड़ता अजमेर। मान सिंह के द्वारा बनाया गया रामगढ़ का किला, प्यारे विद्यार्थियों रामगढ़ का किला पड़ता है जयपुर। अकबर के द्वारा बनाया गया मान मंदिर, और मान मंदिर पड़ता है काशी, और काशी कहाँ है? यूपी। मान सिंह के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये आमेर में बनवाया था। मान सिंह के द्वारा बनाया गया राधा गोविंद मंदिर, और ये बनाया गया वृंदावन, मथुरा में। मान सिंह के द्वारा बनाया गया शिला देवी का मंदिर, और शिला देवी का मंदिर बनाया गया आमेर, मान सिंह के द्वारा बनाया गया पंचमहला महल, अकबर इसी महल में आराम करता था जब भी ये जयपुर आता था। पंचमहला महल, और ये बनाया बेराट, और बेराट पड़ता है जयपुर में। तो ये मान सिंह के द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए थे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। मान सिंह के द्वारा बनाया गया था भवानी शंकर मंदिर, ये भवानी शंकर मंदिर बनवाया था बेकटपुर, और बेकटपुर पड़ता बिहार में। महादेव मंदिर बनाया गया था गया में, मानमन बनाया गया था पुष्कर अजमेर में, रामगढ़ का किला बनाया गया था जयपुर में, मान मंदिर बनाया गया था काशी में, और जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया गया था आमेर में। हालांकि ये मंदिर मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। ये मान सिंह के पुत्र दक्षिणी भारत गए थे, दुर्जन सिंह, जगत सिंह ये वहां मारे गए थे, है ना। तो उसकी याद, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में बनाया था, शिला देवी का मंदिर आमेर में बनाया था, और पंचमहला महल बेराट में बनाया था। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी पंचमहला महल में, और याद पूछा जाए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मुगल गार्डन कहाँ स्थित है, तो बेराट में स्थित है मुगल गार्डन, ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद आप लोगों को आगे की ओर चलता हूं और बात करता हूं कि जो मानसिंह था, ये मानसिंह पष्ट की बात करता हूं, मानसिंह पष्ट। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से, मानसिंह जब आमेर का राजा था तो मानसिंह ने अपना ज्यादातर जो समय बिताया था, ये ज्यादातर समय इसने बिताया था यानी कि मुगल दरबार में। ये भगवान दास का बेटा था, और जो जोधा बाई थी उस जोधा बाई का ये भतीजा लगता था मानसिंह। और ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह के दरबार में विद्वान रहते थे, और उन विद्वानों ने काफ़ी ग्रंथ लिखे थे। जैसे बात करता हूँ मैं कि एक विद्वान था मुरारी दान ने ग्रंथ लिखा था मान प्रकाश ग्रंथ। और मानसिंह के दरबार में जगन्नाथ नामक विद्वान रहता था, और जगन्नाथ नामक विद्वान लिखा था मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। ये ग्रंथ लिखा था जगन्नाथ ने, और इसके दरबार में रहता था दलपत राज। ऐसा बताया जाता है इनका ग्रंथ था पवन पश्चिम। मानसिंह के दरबार में रहने वाले विद्वान, और इनका एक ग्रंथ होता पत्र प्रशस्ति पत्र
प्रशस्ति, और आपने नाम सुना होगा दादू दयाल। तो दादू दयाल भी मान सिंह के समकालीन था और दादू दयाल ने ग्रंथ लिखा था वाणी। तो याद रखना, ये तो है लेखक और ये है लेखकों के ग्रंथ। तो मान सिंह के दरबार में इन्होंने ग्रंथ लिखा था। ऐसा बताया जाता है कि दादू दयाल अकबर से मिले थे, 1585 में फतेहपुर सीकरी में मिले थे दादू दयाल, और इनकी मुलाकात जो करवाई थी, ऐसा बताया जाता है कि उस समय तो जो राजा थे वो भगवान दास थे, लेकिन इनकी मुलाकात जो करवाई गई थी वो भगवान दास के काल में मान सिंह के द्वारा ही करवाई गई थी, ऐसा बताया जाता है। तो मान सिंह के दरबार में एक विद्वान और रहता था, हापा बारट, चारण जाति का कवि था ये हापा बारट। तो हापा बारट भी किसके दरबारी विद्वान थे? ये मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से मान सिंह के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था। तो देखो, मुरारी दान था। अब मुरारी दान के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है मान प्रकाश। बोलो कौन सा ग्रंथ है? मान प्रकाश। जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया मान सिंह कीर्ता मुक्तावली, बोलो कौन सा है? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। दलपत राज के द्वारा लिखा गया था पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति, बोलो कौन सा? पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति। दादू दयाल के द्वारा लिखा गया था वाणी, और हापा बारट मान सिंह के दरबार में रहता था। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा समझना, ये भगवंत दास था, भगवंत दास, आपने नाम सुना भगवंत दास था, और भगवंत दास अब भगवंत दास का पुत्र था, पुत्र एक तो मान सिंह था और इसका दूसरा पुत्र था माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह। अब भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के नाम पर भानगढ़ का किला बसाया। भानगढ़ का किला, ध्यान से समझना, भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के नाम पर भानगढ़ का किला बसाया, और माधो सिंह ने अपने पुत्र अचल सिंह के नाम पर अचलगढ़ का किला बसाया। और अचलगढ़ का किला और भानगढ़ का किला, ये दोनों किले पड़ते अलवर में, और वर्तमान में इन दोनों किलों को भूत प्रेतों के किले कहा जाता है, या भूत प्रेतों के नगरों के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप याद रखना, अचलगढ़ व भानगढ़ नगर और यह किले हैं। और आपको याद हो कर्ण अर्जुन मूवी में जो दिखाए गए थे वो यही है ना, ठाकुर तो गए काम से, वो जो सीन था वो यहाँ का ही था। माधो सिंह के दरबार में एक विद्वान रहता था पुंडरिक विट्ठल, और पुंडरिक विट्ठल ने माधो सिंह के दरबार में रहते हुए ग्रंथ लिखे थे, ध्यान रखना आपको, रस मंजरी, धूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय और राग चंद्रोदय। राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, धूनी प्रकाश, रस मंजरी, ये पुंडरिक विट्ठल के द्वारा लिखे गए थे, और ये माधो सिंह के दरबार में रहता था, और माधो सिंह भगवान दास का पुत्र था। भगवान दास का दूसरा पुत्र था मान सिंह। अब मान सिंह आप पढ़ रहे हो तो आप देखना, मान सिंह पष्ट के बारे में, मान सिंह पष्ट 1562 में अकबर के दरबार में गया था, 1614 में मान सिंह का इलचीपुर पड़ता है दक्षिणी भारत महाराष्ट्र में, वहां मान सिंह का देहांत हुआ था। तो मान सिंह ने सबसे लंबी मुगल सेवा की थी, लगभग 52 वर्ष। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आमेर के कछवा वंश का वह राजा जिसने सबसे लंबी मुगल सेवा की, वो मान सिंह पष्ट था, 1562 में जोधाबाई के साथ गया था और 1614 में इलचीपुर दक्षिणी भारत में इसका देहांत हुआ था। लगभग मान सिंह ने 52 वर्ष तक मुगल सेवा करी थी। याद हुआ नहीं हुआ, मैं एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूं, आमेर के कछवा वंश का राजा पढ़ रहे हो आप और मान सिंह पढ़ रहे हो आप। मान सिंह पष्ट का जन्म 1550 में हुआ था, 1562 में मान सिंह अकबर की सेवा में गया था,
मात्र 12 वर्ष की उम्र में गया था। मानसिंह को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी। मानसिंह को अकबर ने दत्तक पुत्र कहा था और मानसिंह अकबर के नौरत्नों में एक था। हल्दीघाटी युद्ध से पहले मानसिंह को अकबर ने भेजा था कि भाई महाराणा प्रताप को समझा के अगर समझ जाए तो ठीक है, तो ये समझाने उन्हें दूसरे मंडल में गए थे लेकिन ये असफल रहे थे। हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह ने वादा किया था अकबर से कि मैं जरूर से भी महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाऊंगा, तो अकबर ने इन्हें 7000 मनसबदारी दे दी थी जो कि आज दिन तक किसी राजपूत को दी गई सर्वाधिक मनसबदारी थी। ये महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध में बंदी बनाने में असफल रहे। अकबर नाराज हो गया, अकबर ने मनसबदारी छीन ली और मानसिंह को सेवा से मुक्त कर दिया। और सेवा से मुक्त कर दिया फिर जब पुनः सेवा में लिया तो सूबेदार बनाया साम्राज्य में शांति स्थापित करने वाला। तो मानसिंह ने बंगाल बिहार लाहौर उड़ीसा का सूबेदार बनाया, बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाया और लाहौर से बलि पोटरी कला लेके आया। मानसिंह के द्वारा बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया गया, रामगढ़ का किला जयपुर में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में, है ना, शिला देवी का मंदिर आमेर में, पंचमहला महल बेराट में, मान महल पुष्कर में, मान मंदिर काशी में, है ना, ऐसी चीजें मानसिंह के द्वारा बनवाई गई। मानसिंह के बारे में बताया जाता है कि मानसिंह भगवान दास का पुत्र था और भगवान दास का दूसरा पुत्र माधो सिंह था। माधो सिंह के नाम पर भगवान दास ने खुद माधो सिंह के नाम पर भानगढ़ का किला बसाया। माधो सिंह ने अपने पुत्र अचल सिंह के नाम पर अचलगढ़ का किला बसाया और भानगढ़ और अचलगढ़ दोनों अलवर में है। इन्हें भूत प्रेतों के किलों के नाम से जाना जाता है। और माधो सिंह के दरबार में पुंडरिक विट्ठल नामक विद्वान रहता था जिसने रस मंजरी धुनी प्रकाश नर्तन निर्णय और राग चंद्रोदय से ग्रंथ लिखा था। और भगवान दास का पुत्र मानसिंह पष्ट 1562 से 1614 तक यानी मुगल दरबार में रहा था और 1614 में इसकी मृत्यु इलचीपुर दक्षिणी भारत में हुई थी। लगभग 52 वर्ष तक इसने मुगल सेवा करी थी, है ना। धन्यवाद।